शहीदों ने दिया देश के लिए बलिदान, उनके सम्मान में बना शहीद स्मारक। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। खास खबरों में आज आपको दिखाते हैं किस प्रकार से राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फर्रुखनगर में शहीदों की याद में उनकी मूर्ति स्थापना दिवस किस तरह से मनाया गया। आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर भारत की आजादी के चार दीवानों की मूर्ति का अनावरण तथा विद्यालय स्तरीय कल्चरल फेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में पधारे समस्त अतिथिगण का स्वागत और अभिनंदन तिलक लगाकर और माला पहनाकर किया गया। शहीदों के लिए समर्पित इस कार्यक्रम में मेघों ने भी जल वर्षण कर शहीदों को जल अभिषेक कराकर अपना नमन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य जितेंद्र यादव ने अपने स्वागत भाषण में समस्त अतिथियों का वंदन और अभिनंदन करते हुए अपने संबोधन में अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत करते हुए बताया कि वह जब भी कोई राष्ट्रीय दिवस मनाते थे या फिर अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए शहीदों की शहादत को याद करते थे तो अंतर्मन में एक पुकार उठती थी कि वह अपने जीवन काल में शहीदों के लिए कोई यादगार कार्य करें। इसके तहत उन्होंने अपने कार्यस्थल राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फर्रुखनगर में शहीद स्मारक स्थल बनाने और उसमें शहीदों की प्रतिमा स्थापित किए जाने का सपना देखा, ताकि न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर अपितु प्रत्येक दिन हमें आजादी दिलाने वाले और खुले वातावरण में सांस लेने की सौगात देने वाले शहीदों को नमन किया जा सके। प्रत्येक दिन अपने जहन में उनके साहस और बलिदान को याद करके स्वयं को भी एक जिम्मेवार और देशभक्त नागरिक बनाना है। यह प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर राष्ट्र प्रेम को जगाने का एक जीवंत और स्वाभाविक माध्यम होगा। प्राचार्य ने बताया कि परमपिता परमात्मा की ऐसी अनुकंपा रही है कि उन्होंने जो भी काम जनहित, विद्यार्थी हित, विद्यालय हित और समाज हित में सोचा, उसे प्रकृति, परमात्मा, समाज और दानदाता स्वयं ही पूरे प्रेम और समर्पण के साथ पूरा करने के लिए हाजिर हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री रिसाल सिंह की याद में खेड़ा झांझरोला से उनके सुपुत्र हरभजन यादव, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की प्रतिमाएं श्री शहीद बाबा सुधार समिति दिल्ली गेट फर्रुखनगर और अमर शहीद राजा राव तुलाराम की प्रतिमा स्वतंत्रता सेनानी बुद्धराम की याद में फाजिलपुर बादली से उनके सुपुत्र पत्रकार अनिल जी द्वारा करवाई गई। प्राचार्य ने बताया कि उन्होंने इस विद्यालय में कार्य ग्रहण से लेकर आज तक अनेकों कार्य करवाए, जिसके लिए उन्हें समाज ने बहुत सराहा भी, लेकिन उनके लिए आज के इस कार्यक्रम से बड़ा और अपार खुशी देने वाला कार्यक्रम कोई नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने वक्तव्य में शहीदों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों की शहादत को याद करने और उन्हें नमन व वंदन करने के लिए किसी भी विशेष दिन या राष्ट्रीय पर्व की आवश्यकता नहीं है। आज हम सब जिस आज़ादी को भोग रहे हैं, आज हम जो बड़े बड़े पदों पर बैठकर खुशहाल जीवन जी रहे हैं, स्वयं अपनी सरकार बना रहे हैं, मनचाहा खा रहे हैं, मनचाहा पहन रहे हैं, यह सब उनकी बदौलत है। इन प्रस्तुतियों ने सभी आगंतुकों का मन मोह लिया। आज का यह विशिष्ट कार्यक्रम शहीदों को नमन करते हुए गीतों से गुंजायमान रहा। अंत में पुनः समस्त आगंतुकों, दानदाताओं, समाज के मौजूद व्यक्तियों, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों, कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग देने वाले विद्यार्थियों और अध्यापकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्राचार्य जितेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम की समाप्ति की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय का समस्त टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ तथा विद्यार्थी विशेष रूप से सहयोग के रूप में उपस्थित रहे।